दोस्तों, भारत को हिंदू देवी देवताओं का जन्मभूमि कहा जाता है। भारत की अलग अलग जगहों से किसी देवी या देवता के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ? दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं के सभी जन्मों को समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझना होगा। भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन हमें कई पुराण और ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, आज आप जिस भारत को देख रहे हो, यह भारत पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और न ही इतना छोटा था। हजारों साल पहले भारत बड़ा था और उसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बूद्वीप के फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु के पुत्र और वीरव्रत के पुत्र ने ही इस भारत को बसाया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत वर्ष का नाम आखिर भारत कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा। पहले भारत का भूगोलिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा था, जिस कारण इसे अखंड भारत भी कहा जाता था। दुनिया में आज भी कई देश हैं जहां हिंदू धर्म देखने को मिलता है और उन देशों में भी लोग सनातन रीति रिवाज के साथ पूजा भी करते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में हमें सनातन संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहां आज भी सनातन संस्कृति के चिन्ह बड़े शान से अंकित हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू धर्म का पताका बड़े शान से लहरा रहा है। इंडोनेशिया में भी सबसे विशाल और आकर्षित प्राचीन मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। दोस्तों, अगर हम मैक्सिको देश की बात करें तो मैक्सिको में भी भगवान गणेश और सूर्य देव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, विदेशों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर का होना और यहां पर मिलने वाली मूर्तियां, यानी कि बहुत से लोगों का सनातन धर्म की रीति रिवाज से पूजा पाठ करना, इस बात का प्रमाण है कि ये अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और आज जो नए देश बने हैं उन देशों पर भी भारत का फैलाव था। हिंदू धर्म विश्व के दूर दूर हिस्सों तक फैला हुआ था। दोस्तों, अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि अखंड भारत कितना ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, इसी वजह से भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ। और दोस्तों, इससे यह भी पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म विश्व में कितना ज्यादा फैला हुआ था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल ही गया होगा किसी भी देवी देवताओं का जन्म हमारे भारत में ही क्यों हुआ। दोस्तों, हमारे इस महान सनातन धर्म के लिए कमेंट में जय हो सनातन जरूर लिखें और इसी तरह के YouTube वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें V2 क्रिएटर।